अब रुख करते हैं हाफिज़ाबाद का। हाफिज़ाबाद में कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ यौम सियाम मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर राणा सलीम अहमद खान की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स जिना चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने रैली में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हाफिज़ाबाद से सैयद ज़हीर अबाशा की इसी रिपोर्ट में। हाफिज़ाबाद में ज़िला इंतजामिया की जानब से कश्मीरी मुसलमानों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ यौम सियाम मनाया गया और एहतजाजी रैली भी निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से शुरू होने वाली रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर राणा सलीम अहमद खान ने की। डिप्टी कमिश्नर राणा सलीम अहमद खान का कहना था कि भारत 74 सालों से मासूम कश्मीरियों पर जुल्म तशद्दुद कर रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा को भारतीय मुजालिम का नोटिस लेते हुए कश्मीरियों को इनका हक आज़ादी दिलवाना चाहिए। इनका कहना था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों के साथ है और कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा। रैली में सरकारी अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर शुरका रैली ने कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ शदीद नाराबाजी किया। रिपोर्ट से ये ज़हीर अबाशा, PSTV, हाफिज़ाबाद।